आजकल पेट्स पालने का शौक तो हर किसी का होता है, और सबसे ज्यादा लोग क्या पालते हैं? डॉग्स। कुत्ते ही तो सबसे ज्यादा लोग पालते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि इस तरह के आकर्षक हेल्दी डॉग्स के लिए घर में बनाए जाने वाला खाना अच्छा नहीं होता है, बल्कि इन्हें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स वाले खाने की जरूरत होती है ताकि ये भी काफी ज्यादा आकर्षक और हेल्दी बने रहें। ऐसे में डॉग ऑनर्स के लिए कई कंपनियां डॉग फूड्स को बनाती हैं, और आपने भी अपने डॉग्स को इन पेडिग्री कंपनी के डॉग्स फूड तो खिलाए ही होंगे। अब आप भले ही अपने डॉग को पेडिग्री डॉग फूड को रोज ना खिलाते हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इन पेडिग्री डॉग फूड को बनाया कैसे जाता है। आखिर इसमें वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके चलते इसे खाने वाले डॉग काफी तंदुरुस्त और आकर्षक दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो डॉग लवर्स के लिए बहुत ही खास वीडियो बनने वाला है, तो आप भी आ जाइए मेरे साथ और हम और आप मिलकर चलते हैं पेडिग्री कंपनी की फैक्ट्री की ओर, जहां हम देखेंगे इस डॉग फूड को कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये है पेडिग्री कंपनी की फैक्ट्री जहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी के डॉग फूड को बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है और किस तरीके से इस पेडिग्री डॉग फूड को बनाया जाता है। यहां पर फैक्ट्री के अंदर कई तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, और यहां पर इस डॉग फूड को बनाने की शुरुआत होती है कुछ रॉ मटेरियल्स के साथ, जिनमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्री में मौजूद ये कॉर्न, वीट, बार्ले और राइस को। सबसे पहले यहां पर फैक्ट्री से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को दूर दराज इलाकों से, जहां इस तरह के खेतों से, यहां ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में इन्हें लाया जाता है। इनकी क्वालिटी की जांच की जाती है और फिर आगे इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से शुरू होता है पेडिग्री को बनाए जाने का खास प्रोसेस, जहां एक मशीन में कॉर्न, वीट, बार्ले और राइस को सही अनुपात में वजन करके आपस में मिला लिया जाता है, और फिर मिलाने के बाद इस तरह की एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। ये विशालकाय ग्राइंडिंग मशीन इन सब इंग्रेडिएंट्स को पीसने का काम करती है। कुछ देर तक इस मशीन में डालकर इस तरह से इसे पीसा जाता है, और ये मशीन इस साबुत अनाज को पीसकर पाउडर के रूप में बना देती है। अब इसी अनाज के पिसे हुए पाउडर से आगे के कुछ प्रोसेस के माध्यम से पेडिग्री को बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे यहाँ फैक्ट्री में क्या होता है। यहाँ पर अनाज के पाउडर को कलेक्ट करके इसे भेज दिया जाता है एक्सट्रूडर मशीन की ओर। ये विशालकाय मशीन स्टीम की मदद से इस अनाज के पाउडर को पकाने का काम करती है। अनाज को क्योंकि पकाया जाना बहुत जरूरी है, और अगर अनाज ठीक से पका हुआ नहीं होगा तो फिर पेट ठीक से इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसे में जिस काम के लिए इस पेडिग्री डॉग को खिलाया जा रहा है वो तो काम नहीं हो पाएगा ना, यानी कि डॉग्स की सेहत नहीं बन पाएगी क्योंकि इनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्टीम से इस पाउडर को पका दिया जाता है, जिससे पकने के साथ ही भाप की वजह से ये गीले आटे की तरह बन जाता है। अब गीले आटे को सेलेक्ट करके एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके इसे छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं। ये कुछ टैबलेट के आकार के होते हैं। अब इन्हें बनाते वक्त इस बात का बहुत खास ध्यान रखा जाता है कि ये पीसेस ना तो बहुत ज्यादा छोटे हों और ना ही बहुत ज्यादा बड़े हों, क्योंकि अगर इन पीसेस का साइज ज्यादा छोटा होगा तो पेट्स इसे बिना चबाए ही ऐसे ही निकल जाएंगे। अब ऐसे में ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना। जी हाँ, और यदि ये पीसेस ज्यादा बड़े हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि पेट्स के गले में ये जाके फंस जाएं, और ऐसे में पेट के लिए ये काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि एक सही आकार के छोटे छोटे पीस इस मशीन की मदद से बनाए जाते हैं। छोटे पीसेस को कीबल भी कहा जाता है। अब इन सही आकार के पीसेस को आगे अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर इन्हें एक खास तरह के ड्रायर में भेजा जाएगा। यहां पर इन पीसेस को कलेक्ट कर लिया जाता है और फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में, जहां पर ये बड़ी सी हॉट ड्रायर मशीन लगी हुई है, इससे इसे गुजारा जाता है। यहां पर इस मशीन के अंदर 149 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और ये मशीन इन पेडिग्री से छोटी छोटी पीसेस को सुखाने का काम करती है ताकि इसमें से नमी खत्म हो जाए और ये पूरी तरह से सूख सके। कुछ देर तक मशीन में छोड़ने के बाद अब ये मशीन से बाहर निकलते हैं तो इनमें से नमी खत्म हो चुकी है और ये अच्छे से सूख चुके होते हैं। अब कुछ देर के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर कुछ देर बाद प्रोडक्शन लाइन में बने हुए रिवॉल्विंग ड्रम में भेजा जाता है,
ये असल में एक मशीन है जिसके अंदर पेडिग्री के इन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर फ्लेवर्स को ऐड करके और एनिमल फैट की कोटिंग को चढ़ाने के लिए इस मशीन के अंदर एक स्प्रे गन की मदद से इन पीसेस पर एनिमल फैट और फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है। स्प्रे गन से पाउडर जैसा एक मटेरियल निकलता रहता है और ये ड्रम घूमता रहता है जिसके अंदर पेडिग्री भी उसके साथ घूमता है। एक समान इन पीसेस पर अच्छे से कोटिंग हो जाती है। ये काम बहुत जरूरी है क्योंकि अगर पेडिग्री के ऊपर इसकी कोटिंग नहीं की जाएगी तो डॉग्स फूड को नहीं खाएंगे और उन्हें ये खाने में अच्छा ना लगने की वजह से डॉग ओनर्स को पेडिग्री को खिलाने में काफी परेशानी आएगी। अब इसीलिए यहाँ पर अच्छे से कोटिंग चढ़ा दी जाती है और फिर इस मशीन से कुछ देर बाद निकलने वाले पेडिग्री को इस तरह से स्टोर करके स्टोर रूम में रख दिया जाता है। अब यहां से इन्हें उठाकर फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से की ओर पहुंचाया जाएगा जहां पर पैकेजिंग यूनिट के अंदर इस तरह के बैग में पैक करने का काम किया जाता है। पर दोस्तों जरा रुको यार, फैक्ट्री में पैकिंग यूनिट में पेडिग्री को पैक करने से पहले कुछ और प्रोसेस भी किए जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले इन्हें एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन से गुजारा जाता है जहां पर एक प्लेटफॉर्म वाइब्रेट होता रहता है जिस पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि इससे पेडिग्री के टूटे हुए टुकड़े अलग हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के बने हुए पीसेस ही पैकेजिंग मशीन की तरफ कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ाए जाते हैं। अब पैकेजिंग मशीन में एक सिंगल पाइप जैसा एक प्लेटफॉर्म होता है। ये पाइप आगे नीचे की ओर कई अलग अलग कोनों में पेडिग्री को भेज देता है। अब इन अलग अलग कोनों में एक ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है जो 1 किलो या 2 किलो का वजन के हिसाब से पेडिग्री के मटेरियल को आगे भेजती है और अपने नोजल से इस पूरे मटेरियल को प्लास्टिक के बैग के अंदर शूट कर देती है। अब नोजल से पेडिग्री मशीन के नीचे मौजूद इन खाली बॉक्स में पेडिग्री को भर देती है और आगे इसी मशीन के दूसरे हिस्से इस बैग को पैक करके सील कर देते हैं। बाद में एक्सपायरी डेट और बैच नंबर वगैरह कुछ जरूरी डिटेल्स मशीन के अगले हिस्से में प्रिंट हो जाते हैं और अब इन्हें फाइनली तैयार कर लिया गया है लीजिए। तो अब इन पेडिग्री डॉग फूड को इस तरह के बड़े बड़े ट्रकों पर भरकर आपके पास के मार्केट तक पहुंचाया जाता है और ऐसे ये पहुंच जाते हैं आपके घर तक। फिलहाल पेडिग्री को कैसे बनाया गया है ये तो आप सभी जान ही चुके हैं, लेकिन डॉग्स को पेट के रूप में पालने के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। अब आपको शायद नहीं पता होगा कि हमारे कानूनों में कुत्तों को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने पालतू पेट्स को अपने साथ बाहर पब्लिक प्लेस पर भी लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट, मॉल्स, यहाँ तक कि कई बार तो कुछ लोग तो शॉप्स पर भी कुत्तों को लेकर चले जाते हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि शायद इन जगहों पर ऐसे कुत्तों को ले जाना सही नहीं होता है, पर वास्तव में कुत्तों को मॉल के लिफ्ट वगैरह में जाने का अधिकार है। जी हाँ, पर हाँ, यदि आप डॉग्स पाल रहे हैं तो उन्हें अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके डॉग्स ने किसी इंसान को काट लिया तो ऐसे में उस डॉग के मालिक को 3 साल तक की सजा भी मिल सकती है। ऐसे में ओनर को ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि उसका डॉग पूरी तरह से कंट्रोल में और ट्रेंड हो, या नहीं कि भाई अगर पब्लिक प्लेस में गए तो किसी को काट खा लिया, किसी को परेशान कर रहा है, किसी पे भौंक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ओनर को सजा दी जा सकती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार लोग राह चलते हुए कुत्तों को पीट देते हैं, पर आपको शायद ये बात पता ना हो कि अगर आप किसी जानवर को पीटते हैं तो ऐसे में आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। पशुओं को लेकर के उनके प्रति क्रूरता करने पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के मुताबिक यदि किसी वाहन में पशुओं को ठूस ठूस कर भर कर ले जाया जा रहा है तो ऐसे में इसे गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करने पर उस इंसान को जानवर को नुकसान पहुंचाने के अपराध में दंड दिया जा सकता है। कुछ लोग जो जानवर से नफरत करते हैं वो अक्सर जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें जहरीला खाना या कोई जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारने का काम भी करते हैं। कानूनन जुर्म होता ही, ऐसा करने वाले इंसान को सजा मिलती है। पेट्स और जानवरों के लिए सरकार ने कई ऐसे नियम पहले से ही बना रखे हैं जिससे जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपने कौन सा पेट पाल रखा है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।